spreading the name of the Lord is most wonderful and beneficial in the world. But this is the way everyone. तो आज जो है वो हमारा सेवन का क्वेश्चन नंबर इलेवन है, ठीक है। सखी जी का क्वेश्चन नंबर एट और नाइन, इसमें उसने कहा कि हमने ये प्रूव करना है कि ये आपस में दोनों साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। अगर आप अपना पाए ये हो, आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। अब हम नहीं बना रहे इसको प्रूव का मतलब है कि हम साबित करें भी कि एक चीज कर रहे हैं। अब इसको ना सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके इसी से ये बनाए। तो डेफिनेटली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे वाई टू नजर आ रहा है, तो मतलब वाई टू तक तो हमने सॉल्व करना ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं, वाई वन क्या होगा इसमें, क्योंकि ऊपर पावर आ गई है, पावर आ गई तो पावर भी लग गया, पावर पहले आ गई और से एक कम किया हमने, और पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव बन गया x ऑफ पावर इनवर्स ऑफ x। ये आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको अगर लिखें वो वैल्यू बता दें क्या होता है। अच्छा, इस बार का तो पावर पहले आ गई, जब इसकी पावर में से मैंने एक काम किया टू में से माइनस कर दिया तो बात बच गया, क्योंकि जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल सब एक्स बच गया, और खाली जो इसका डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस वन ओवर अंडर रूट ऑफ वन माइनस स्क्वायर, ठीक है। सिंपल साइन जो होता है ये पॉजिटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है, साइन प्लस। आप आ जाते हैं नेक्स्ट, ये जो मल्टीप्लिकेशन का बात होता है, ठीक है। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि जब डिनोमिनेटर आ जाता है हमारे पास तो हमें डिस्टर्ब करता है, अब हमारा क्वेश्चन लेंथ क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं इसको ले आते हैं इस साइड पे, देखिए क्या बनता है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ वन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाय वन इक्वल्स टू टू माइनस ई जो है माइनस आ गया माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब अगर हम एक स्क्वायर ले लें तो ये मजीद हमारे लिए आसानी में देखिए स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक और इधर भी जब स्क्वायर बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर तो वो तो मैं बाबा एक्स ही बन है, तो वो हमारे लिए आसानी है। तो जब दोनों साइड से स्क्वायर लेंगे क्या होगा, इधर ही ले लेता हूँ स्क्वायर, इधर भी ले लेता हूँ स्क्वायर, तो इसका अलग से स्क्वायर इसका अलग से स्क्वायर, तो ये रहेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर इक्वल माइनस टू का स्क्वायर भी होगा फोर, और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर जो कि हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर है भाई, ये क्वेश्चन में हमें गिवन अगेन वैल्यू पुट कर देते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू वन, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर आ गया भाई। अब दोबारा से अगेन क्या है, दूसरे सेकंड डेरिवेटिव तक तक हमें निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो कम अज कम आप दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे, डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स, ठीक है। ये हमारा होगा, तो यहाँ पर तो हमारा दो फंक्शन बढ़ गया, एक वन माइनस एक्स एक बाई वन का स्क्वायर, तो इधर लगेगा हमारा बर्डर टूल, और इधर तो चूंकि फोर कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, फाइव का डेरिवेटिव हो जाएगा फाइव, यानी फाइव का डेरिवेटिव होगा डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स में बस होता है फाइव का। अच्छा, अभी डेरिवेटिव मैं निकाल रहा हूँ, बस ये वाला जो फंक्शन है ये बस एक वन माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन का स्क्वायर प्लस अब वाई वन का स्क्वायर ये जो सेकेंड है ये वैसे इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल फोर बाय देगा डी बाय बाय डी एक्स ऑफ ए, ठीक है। एक स्टेप मैंने मजीद कर दिया था कि समझ रहे हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ये पावर है टू, टू पहले आ गई पावर हो, पावर में से एक काम करेंगे तो बाय वन की पावर टू माइनस वन पावर हो जाएगी, और बाय वन का पावर जो करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ बाय वन प्लस बाय वन का स्क्वायर वैसे डी बाई डी एक्स ऑफ
20 इसको सॉल्व कर देते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का अगर 2x, यानी पावर पहले पावर में से एक, और अगर माइनस x स्क्वायर है तो उसका होगा -2x, ठीक है, और ये d का डेरिवेटिव 1, ठीक है। यहाँ तक मेरे का कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये मैंने पावर रूल लगाया, पावर पहले पावर में से एक था, पावर से बगैर बार बार का डेरिवेटिव, अब y1 को जब डेरिवेटिव दोबारा से हो रहा तो ये हो जाएगा बाय 2, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 बाय 1 बाय 2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x इंटू बाय 1 का स्क्वायर प्लस ये प्लस एक रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा -4/1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर आप देखें हमें 2/1 नहीं चाहिए, 2/1 सारी वैल्यूज में आ रहा है, मैं इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देता हूँ 2/1 से, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया, ठीक है। ये 2 से कैंसिल, 1/1 से 2 से y1 से जो स्केल है वो खत्म कर रहे 2 का 4/1 से ये बस ये चीज़ है। तो हमारे पास ये रीडिंग का बात किया 1 - x² इंटू माइनस x, ये कैंसिल हो गया, x बचा और y1 का स्केल था, ये कैंसिल हो गया, ये हो माइनस ये 2 और 2 का 4/1 से कैंसिल, 2 बचा। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी, मेरे बाद में प्रीवियस से ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें वो कह रहा है y इक्वल है a cos natural log of x प्लस b cos natural b sin natural log of x, y इक्वल टू a cos natural log of x प्लस b sin natural log of x, ठीक है। और हमने जो प्रूफ करना है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू बाय 2 प्लस एक्स इंटू बाय 1 एक्स स्क्वायर इंटू बाय 2 प्लस एक्स इंटू बाय 1 एक्स इंटू बाय 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। उन्होंने डी इंटू वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर लिखा है, इसलिए वो सेकंड डेरिवेटिव होता है, अपने सन के लिए लिख दिया, उन्होंने आगे डी वाई बाई डी एक्स लिखा था, अपने सन के लिए वाई वन लिख दिया। अब बिल्कुल यही पैटर्न होगा हमारा, इसमें हम ये करते हैं वही चीज है, इसमें जिसने प्रूव का ये करो तो वाई के हो आपके पास, हमारे पास वाई टू है, तो ये नहीं हमने इसमें सेकेंड डेरिवेटिव तक निकाल, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं दरमियान में प्लस है तो अलग अलग डेरिवेटिव होगा, ये कॉस नेचुरल ऑफ एक्स ये पूरा का पूरा एक फंक्शन, अगर यहाँ पर लिखा होता कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय नेचुरल ऑफ एक्स तो ये दो अलग अलग फंक्शन है। अभी फिलहाल नेचुरल ऑफ एक्स जो है ये कॉस का एंगल, अब देखिए हम बाय वन क्या देगा हमारे पास, ये वैसे ही बाय कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन नेचुरल ऑफ एक्स, ठीक है। अब एंगल में x के अलावा कोई और टर्म आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x, तो इसका अलग से डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव का मतलब होता है मेरे पास 1 ओवर x, ठीक है। प्लस ये फॉर्मूला cos का डेरिवेटिव के लिए sin, और जो एंगल है उसका अलग से डेरिवेटिव लिया तो वो 1 ओवर x आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x, प्लस b sin का डेरिवेटिव होगा cos नेचुरल लॉग ऑफ x। अब एंगल में मैं बस नेचुरल ऑफ एक्स ये भी अदर देन एक्स, तो इसका हम अलग से डेरिवेटिव लेंगे, भी नेचुरल ऑफ एक्स ये भी 1 ओवर एक्स होगा। अब अगर हम देखें ये दोनों साइड पे एक्स डिनोमिनेटर में आ रही है हमें डिस्टर्ब करेगी, तो मैं क्या कहता हूं इधर से एक्स को इधर ले आता हूं, दोनों को या फिर आसान अंदाज में एक्स को मैं सारी साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर भी एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, इधर करूंगा तो ये वाला कैंसिल होगा, इधर करूंगा तो यहाँ पे करूंगा तो ये वाला कैंसिल हो, दूसरा एक तरीका कॉमन हो वाला दोनों में से कॉमन हो इस साइड पे डिवाइड हो और दूसरी साइड पे लाकर मल्टीप्लाई कर दो, ये हम सेकंड ईयर है तो इस तरह हम जो डिटेल में जा रही है -a sin natural log of x + b cos natural log of x, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा
क्योंकि हमारे पास उस प्रकार पाए टू तक आपने बना, तो पाए टू तक जाने के लिए मैं दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ दोनों साइड पे, इधर भी डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ठीक है। आप एक्स इंटू पाए बाकी दोनों वेरिएबल्स है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई जब दो वेरिएबल्स हो रहे हो तो हम बॉर्डर टू लगाते हैं, कौन सा हम क्या करेंगे एक्स इधर वैसे ही रहेगा वाई वन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस अब वाई वन वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो कि बन रहा था इक्वल टू, अब इनका अलग अलग डेरिवेटिव ले माइनस ए तो वैसे ही बाहर आ गया, साइन का डेरिवेटिव ये हमने निकाल लिया, कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ठीक है, फिर एंटर में एक्स की जगह नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास वन ओवर एक्स प्लस बी वैसे ही कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का माइनस साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ठीक है, और एंगल में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है तो उसका अलग से डेरिवेटिव होगा वन ओवर एक्स ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव, अभी ये देखते हैं एक्स वाई वन का जब मैं दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा तो ये हो जाएगा वाई टू प्लस ये हमारे पास सिंपल एक्स का डेरिवेटिव वन होते हैं खत्म हो जाएगा, ये सिंपल वाई वन का दिया इक्वल टू वन ओवर एक्स, दोबारा से मैं कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों में से और इधर ला कर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यह देखें एक्स इधर हमारे पास क्या बचेगा माइनस ए कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सॉरी ये भी माइनस इधर आएगा तो माइनस बी साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ठीक है, ये जो दोनों एक्स है ये पहले मैंने कॉमन लिया था साइड पे लाकर ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम अगर देखें हमें चाहिए एच के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अब ये हमें नजर आ रहा है जैसे माइनस कॉमन आ जाएगा अंदर बचेगा ए कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये हमारे पास होता है वाई, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूँ एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन, आप पहले स्कूल का देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन इक्वल टू ये माइनस है तो ये क्या पाए टू वैल्यू का माइनस वाई, हालांकि मैंने देखी नहीं है पर मुझे पता है क्या गलत कर सब ठीक कर रहे हैं ठीक की वैल्यू माइनस वाई सेट करेंगे तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो ये थे आज के जो हमारे दो क्वेश्चन है ये खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर एट और नाइन एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है, कल से हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, अभी जो ऊपर एक शेर लिखा हुआ उसमें है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी वो खा के अपनी फितरत में जरूरी है ना नहीं, मतलब जो हम अमल करते हैं उससे जिंदगी बनती है, इलम होने से कोई फायदा नहीं है, जब तक हम अमल नहीं करेंगे उस इलम का हमें कोई फायदा नहीं है, ये अल्लाह की बात है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये जो खाक है जिस खाक से हम बने हुए हैं इसकी फितरत में नूरी है, जन्नती भी नहीं है जहन्नमी भी नहीं है, जो हमारे अमल होंगे वो डिसाइड करेंगे हमने किस साइड पर जाना है, अल्लाह ताला हमें अच्छे अमल की तौफीक दे।